हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडियन टेलीविज़न में प्रसारित होने वाले सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सीरियल के स्टार कास्ट के बारे में बतला रहे हैं और साथ ही साथ हम उनके पर एपिसोड की सैलरी के बारे में आपको बतलाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं कि कलाकारों की कलाकारी की पर एपिसोड की सैलरी क्या होती है, वो पर एपिसोड करने का क्या चार्ज करते हैं। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे जो आपको नहीं पता है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉकिंग पर डे सैलरी ऑफ गुम है किसी के प्यार में। तो गाइज, फर्स्ट नेम है इंद्रनील भट्टाचार्य। इंद्रनील भट्टाचार्य गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में शांतनु का किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 54 साल के हैं। और इंद्रनील भट्टाचार्य की पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 35,000 रुपया लेते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट नेम है मानसी सालवी। एक्ट्रेस मानसी सालवी गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में ईशा का किरदार निभाते हुए नज़र आ रही हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 44 साल की हैं। और इनके पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 45,000 रुपया लेती हैं। नेक्स्ट नेम है शिखा पांडे। एक्ट्रेस शिखा पांडे गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में मृणमयी का किरदार निभाते हुए नज़र आ रही हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 27 साल की हैं। और इनके पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 25,000 रुपया लेती हैं। तो गाइज, नेक्स्ट नेम है अमायरा खुराना। चाइल्ड एक्टर अमायरा खुराना गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में साई का किरदार निभाते हुए नज़र आ रही हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 5 साल की हैं। और अमायरा खुराना की पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 15,000 रुपया लेती हैं। तो गाइज, नेक्स्ट नेम है सागर सैनी। एक्टर सागर सैनी गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में राजू का किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 54 साल के हैं। और सागर सैनी के पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 30,000 रुपया लेते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट नेम है पल्लवी प्रधान। एक्ट्रेस पल्लवी प्रधान गुम है किसी के प्यार में कि सीरियल में भाग्यश्री का किरदार निभाते हुए नज़र आ रही हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 49 साल की हैं। और पल्लवी प्रधान जी के पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 35,000 रुपया लेती हैं। तो गाइज, नेक्स्ट नेम है अंकिता खरे। एक्ट्रेस अंकिता खरे गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में हरिणी का किरदार निभाते हुए नज़र आ रही हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 28 साल की हैं। और इनके पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 35,000 रुपया लेती हैं। नेक्स्ट नेम है वरुण जैन। एक्टर वरुण जैन गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में अमन का किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 30 साल के हैं। और वरुण जैन के पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 35,000 रुपया लेते हैं। नेक्स्ट नेम है कावेरी प्रियम। एक्ट्रेस कावेरी प्रियम गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में आशिका का किरदार निभाते हुए नज़र आ रही हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 30 साल की हैं। और कावेरी प्रियम के पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज, ये पर एपिसोड करने का 60,000 लेती हैं। नेक्स्ट नेम है अनुज खुराना। एक्टर अनुज खुराना गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में मिलन का किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और गाइज, हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 36 साल के हैं। और
अनुज खुराना के पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज ये पर एपिसोड करने का 30,000 रुपया लेते हैं। नेक्स्ट नेम है भाविका शर्मा, एक्ट्रेस भाविका शर्मा गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में सावी का किरदार निभाते हुए नज़र आ रही हैं। और गाइज हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 26 साल की हैं और इनके पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो गाइज ये पर एपिसोड करने का 75,000 रुपया लेती हैं। तो गाइज नेक्स्ट नेम है हितेश भरद्वाज, एक्टर हितेश भरद्वाज गुम है किसी के प्यार में के सीरियल में रजत का किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और गाइज हम इनकी रियल एज की बात करें तो ये 33 साल के हैं और इनके पर एपिसोड सैलरी की बात की जाए तो ये पर एपिसोड करने का 80,000 रुपया लेते हैं। तो गाइज ये रहे इनकी सैलरी की बात। अब आपको बतलाना है कि आपको इन कलाकारों में से किन की कलाकारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और किस कलाकार को आप नंबर 1 पर रखना चाहते हैं। और यह सीरियल अगर आप देखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर बतलाना बिल्कुल भी ना भूलें, मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाया करूँगी। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।